बस डिस्प्ले बड़ी करके आईफोन 15 को आईफोन 15 प्लस के नाम से रीलॉन्च कर दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे आईफोन 15 स्मार्टफोन को आईफोन 15 प्लस स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि आईफोन 15 के अंदर हमें 6.1 इंचेस की सुपर रिटिना एक्सडीआर ओलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ आईफोन 15 प्लस के अंदर हमें 6.7 इंचेस की सुपर रिटिना एक्सडीआर ओलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों अगर आपको डिस्प्ले भाई बड़े साइज की चाहिए तब आप यहां पर 15 प्लस की तरफ ही जरूर से जाइए, लेकिन यार अगर आपको डिस्प्ले छोटे साइज की चाहिए तब आप यहां पर आईफोन 15 की तरफ ही जरूर से जाइए। और बाकी तो दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर जो हमें सुपर रेटिना एक्सडीआर ओलेड डिस्प्ले मिल रही है ना भाई, काफी ज्यादा बढ़िया कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगी, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार जो रिफ्रेश रेट है ना भाई 60 हर्ट्ज का, भाई कॉस्ट कटिंग तो यार एप्पल करते ही करता है, अब तो यार इन दोनों फोन्स के अंदर 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश इन्हें दे ही देना चाहिए था, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में भाई इन्होंने नहीं दिया। और अगर हम बात करें स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो दोनों फोन्स यहां पर सेरेमिक शील्ड प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों काफी बढ़िया ली प्रोटेक्शन हमें दोनों फोन्स के अंदर दी गई है, साथ ही यार दोनों फोन्स यहां पर IP68 रेटिंग के भी साथ में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर iOS 17 पर बेस्ड है, और दोस्तों जो iOS वर्जन 17 है ना भाई काफी ज्यादा बढ़िया है। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर हमें एप्पल A16 बायोनिक 5G चिपसेट दिया गया है जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों ये जो चिपसेट है ना भाई डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है, लेकिन यार अगर आप एकदम हैवी गेमर हैं तब तो भाई इन दोनों फोन्स में से आप किसी की तरफ मत जाना, क्योंकि यार दोनों फोन्स का जो रिफ्रेश रेट है ना सिर्फ 60 हर्ट्ज ही है। जी हां दोस्तों गेमिंग वगैरह तो आप भूल ही जाओ, इन फोन्स के साथ में आप कर पाओगे वो भी हैवी वाली। और यार अगर आप इन दोनों फोन में किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और जिनका कैमरा सेटअप है ना बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा वो 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है 12 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन्स का जो कैमरा सेटअप है ना यार काफी ज्यादा बढ़िया है, और काफी बढ़िया फोटोज और वीडियोज आपके क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई स्क्रीन के ऊपर आप कैमरा सैंपल्स देख ही पा रहे हैं, काफी ज्यादा बढ़िया डिटेलिंग्स को भाई दोनों फोन्स के कैमरा ने कैप्चर की है जो कि काफी बढ़िया बात है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग एट 60 FPS पर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन सेंसर शिफ्ट OIS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और जो एप्पल की स्टेबलाइजेशन होती है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होती है। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जिससे हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग एट 60 FPS पर कर सकते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन्स का जो फ्रंट कैमरा है ना भाई वो भी अगेन काफी ज्यादा बढ़िया फोटोज और वीडियोस आपकी क्लिक कर देगा। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो आईफोन 15 यहां पर 3877 mAh की बैटरी के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ आईफोन 15 प्लस यहां पर 4912 mAh की बैटरी के साथ में आता है। दोस्तों वैसे तो यहां पर दोनों फोन्स का बैटरी बैकअप आपको एकदम बढ़िया वाला देखने को मिल जाएगा, लेकिन यार अगर आपको और भी ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तब आप यहां पर डेफिनेटली आईफोन 15 प्लस की तरफ ही जरूर से जाइए। और फास्ट चार्जिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर 20 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं, और दोस्तों दोनों फोन्स यहां पर 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर टूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों फोन्स NFC को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें 3.5mm जैक की तो हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन स्टीरियो स्पीकर हमें दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं जो कि भाई लाउड इनफ है और अच्छे वॉल्यूम प्रोड्यूस कर देते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर फेस आईडी का ऑप्शन भी दिया गया है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि आईफोन 15 स्मार्टफोन के 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 80,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ आईफोन 15 प्लस स्मार्टफोन के 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 90,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए तो देखिए दोस्तों वैसे तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल टॉप लेवल है भाई, काफी ज्यादा जबरदस्त स्मार्टफोन है यहां पर दोनों ही, लेकिन दोस्तों अगर आपको बड़ी डिस्प्ले और ज्यादा बड़ी बैटरी के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए तब आप यहां पर डेफिनेटली आईफोन 15 प्लस की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वही दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको छोटी डिस्प्ले के हिसाब से बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तब आप यहां पर डेफिनेटली आईफोन 15 की तरफ ही जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। खत्म।